दो हो जाएंगे। स्क्रैच क्योंकि अपनी बाइक गिर गई थी तो अभी मैं आपको दिखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज है संडे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट वाले वीडियो में इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। मतलब मैंने सोचा था 2-3 हजार व्यू हो जाएंगे, बट अभी भी वो वीडियो चल रहा है और काफी अच्छा सपोर्ट दिया आप लोगों ने। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखोगे ना तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते जाएंगे, मतलब मोटिवेशन मिलती है ना अंदर से। तो आज के वीडियो में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मैंने आज तक अपनी बाइक में कोई भी काम नहीं कराया है, ना इस वाली बाइक में, ना इससे पहले जितनी भी बाइक रखी है ना, किसी में कोई काम नहीं कराया। बट आज पहली बार मैं इस वाली बाइक में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अभी 11 बजने वाले हैं, 10 बजे सो के उठा था मैं, क्योंकि आज संडे है, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अपना रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट, तो फटाफट से खा लेते हैं, यह कटलेट, हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते करते यहाँ हो गया स्टार्ट लूडो, ये देखो। और साहिल 2 रुपए आ रहा है तो कह रहा है कि आज के बाद मैं लूडो कभी नहीं खेलूंगा। इस गेम में आज ना एक रूल बना हुआ है, कोई किसी को बताएगा नहीं, और कोई किसी को बताएगा तो 10 रुपए फाइन लगेगा। तो भाई साहब सभी लोग ना मौन धारण करके खेल रहे हैं। और वैसे एक चीज दिखाऊं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट दिख रहा है ये फर्स्ट, तो फर्स्ट में निकल चुका हूँ बाहर, देख रहे हो। मैं जीत के मतलब 10 मिनट पहले निकल चुका हूँ और ये तीनों अभी लगे पड़े। मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, अपनी बाइक पे हो गया है स्क्रैच क्योंकि अपनी बाइक गिर गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गिरी। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेके पूरा स्क्रैच हो गया है, पूरा कलर निकल गया है इसका। तो जैसे ही पहला स्क्रैच हुआ ना भाई साहब, दिल पे ना बहुत जोर की लगी। हुआ ऐसा था कि मैं अपनी बाइक को ना ऐसे करके बैक कर रहा था इधर से ना, तो उस दिन बारिश हुई थी तो मेरा पैर ऐसे स्लिप हो गया और बाइक ऐसे करके गिर गई। तो बाइक गिरी थी हमारी स्कूटी के ऊपर, स्कूटी इधर गिर गई तो इसका शीशा टूट गया, देखिए। वैसे बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज्यादा। देखो अभी जल्दी से वॉश कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप मॉडिफिकेशन करा लेते हैं। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, खाना वाना खा लें पहले। तो देखते हैं अभी खाने में क्या बनाया आज। हाँ भाई, खाने में क्या है? कढ़ी चावल। तो इधर आ गए हैं कढ़ी चावल, तो फटाफट से खा लेते हैं। उधर मोटो जी खाने में लगी पड़ी है। हाँ इधर देख लो। तो अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मोटो जी कहाँ जा रहे हो? नानी से मिलने। तो अभी नानी आ गई हैं गांव से, तो अभी हम जा रहे हैं मामा जी के यहाँ, वहाँ नानी आ रखी हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो पूरी टीम जा रही है हमारी, साहिल, मुकुल, मैं, मोटो जी। अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कराने हम बाद में जाएंगे, पहले नानी के यहाँ होके आ जाते हैं। सारी टीम जा रही है आज, साहिल की भी छुट्टी है, मुकुल के कॉलेज की भी छुट्टी है, अपना भी जिम बंद है आज। तो बर्थडे वाले दिन से अपनी कार ना यहीं पर खड़ी हुई है, उस दिन रात में यहीं खड़ी कर दी थी, अपने घर के आगे जगह नहीं थी। अच्छा हुआ पीछे से यहाँ से मिट्टी हटा दी, वरना यहाँ भी मिट्टी डाल दी इन लोगों ने, आगे भी पूरा लॉक है। प्रेमनगर, प्रेमनगर। अरे आज हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराने आनी थी, तो दुकान बंद है आज। मुझे आज यहीं पे आना था अपनी बाइक लेके ना, पर अब ये तो बंद है। अब देखते हैं, शायद प्रेमनगर में खुली होगी, उसी पे करा लेंगे। ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है। अपनी कार में ना थोड़ा सा हवा कम है आगे वाले टायर में, पता नहीं कैसे हो गया, पंचर तो नहीं है। रास्ते में पहले थोड़ा हवा चेक करा लेंगे इसमें। खड़ी खड़ी हो गई होगी। डेढ़ सौ का एक महंगा नहीं है, 150 रुपए का एक। मोटो जी इनकी बात कर रही थी, पता है कितने महंगे दे रहे? 150 का एक। 150 के 3। हाँ सही बोला, 50 रुपए का एक होगा मुश्किल से। ये वाले तो फूल वाले तो 50 के। अच्छा ये वाले नहीं, ये 100 रुपए का एक है। चलो कोई नहीं, आ जाओ बच्चो। नहीं हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, बाबू जी चलो आ जाओ। शादी करनी पड़ेगी, भाभी को लड़की ढूंढनी पड़ेगी अपने जैसे। दांत आ रहे ना, देखियो बस, अब तो शादी होगी पक्का। चलो देख लो स्टाइल में, खुश बनी रहो। चले फिर आगे बाद में, ठीक है अभी आ रहे हैं हम। चाची मिल गई थी रास्ते में, चाची का घर पड़ता है, देख लो चाची के लौंडे ने बोल दिया दांत आ गए, शादी करवाओ। है मोटो जी लड़की देख लो उसके लिए, अब पहले तो हो जाएगी शादी, दांत आ गए। सबसे पहले दांत की खुशखबरी दी उसने, बहुत दिन में दांत आए उसके। साहिल बॉस जियो में काम करते हैं, जियो की तार टूटी पड़ी है, चिंता हो गई। जोड़ दो जोड़ दो, फोन करेंगे अब अपनी वाली को। तो अभी पहुंच गए हैं मामा जी के यहाँ पे। अरे आ जाओ टीम, आ जाओ जल्दी, गेट खोलो।
पैर छुओ। चलो दुकान पे। कौन सी दुकान पे? सुनार की दुकान पे। सुनार की दुकान पे क्या लेने गई है? हैं? क्या लेने जाते? इन्फॉर्म करके आना चाहिए, बिना इन्फॉर्म करे आए हो इसलिए वो घर पे आई नहीं। अंश चलो फोन लगाओ फटाफट, पता करो कितनी देर में आ रही है। हेलो पापा, कितनी देर में आ रहे? नहीं भैया आए। तो भाई साहब नानी गई है मार्केट, तो उन्हें आने में टाइम लग जाएगा आधा पौन घंटा, तो जब तक चाची के चलते हैं वहाँ जाके बैठते हैं, जब नानी आ जाएगी तो दोबारा आ जाएंगे फिर से। 2000 years later गोरी चिट्टी कैसी बोलेगा? सही में? हाँ। तो कब कर रहा शादी? 14 अक्टूबर में शादी करेगा, मतलब बहू आ जाएगी उसके बाद बर्थडे मनाएगा, उसी के साथ केक काटोगे। और लड़की देख ली? ये वो तो आप लोगों का काम है ना। देख ली। देख ली भाई, देख ली तो हमारा काम नहीं है। कौन है लड़की बताइयो? ओह ऐसे फिर हमारा क्या होगा, इनको ले लेगा तो दो हो जाएंगे। कौन दो हो जाएंगे? पति। देख रही है? ये तो गड़बड़ है, ये तो वहां पत्ता काट रहा है। किसने सिखाया बाबू? दो माइंड में, दो देख रहे हो तुम? सही में? दांत दिखा दे फिर, अब दांत। चलो ठीक है, मेरे ऐसे दांत हैं इसलिए होगी शादी, ऐसे होती नहीं। मुझे बता वीडियो बना रहे हो? मुझे अब तो वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा मैं ये, ठीक है बस 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 बस। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है दूसरा दिन, तो अभी मैं अपने जिम में हूँ, बस घर निकल रहा था तो सोचा अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है, आज क्या लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं अपना वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट से घर निकलते हैं, बस अपनी जो डाइट वगैरह पैक करके लेके आता हूँ ना, ये देखो सारे डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं, तो मोटो जी का फोन आया था सारे डब्बे लेके आना, तो इन्हें भी लेके चलते हैं घर। हमेशा ऐसे ही होता है, मैं लेके तो आ जाता हूँ खाना वगैरह घर से, पर डब्बे खाली यहीं पड़े रहते हैं 15-15 दिन तक, तो आज सारे इकट्ठे करके घर लेके जा रहा हूँ मैं।